सो हे हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एंड टुडे आई एम इन मनाली और भाई धूम मची हुई है, कसम से कड़ाके की सर्दी है। और भाई देखो, अभी तो भाई नींद ली जा रही है, अभी उठ नहीं रहे लोग बस। और सच बताऊं तो आज भाई 101% हमें जो है ना बर्फ देखने को मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि जब मैं टेरेस पे गया, देखो टेरेस पे लेके जाता हूँ आपको। हयू माँ। और जैसे ही मैं टेरेस पे आया, टेरेस पे आपको फ्रंट का व्यू दिखाता हूँ। और ये कल कल की पानी दोस्तों, देखो साइड से आ रही है, अनार का बाग है ये, वो पीछे पानी दिख रहा होगा आपको। ये ऊपर बर्फ़ पिघलने से जो झरने हैं ऊपर से आता है उसका पानी, और ये बहुत तेज़ हो गया है। और देखो बर्फ़ दिखा देता हूँ आपको, जो रात रात में बर्फ़ दिख रही है पहाड़ों के ऊपर। मनाली में बर्फ़ है, और इधर से भी व्यू दिखाता हूँ भाई, सूरज निकलने वाला है। और गौर से देखो दो, रात रात में देखो कितना दिख रहे दोस्तों, पूरा वाइट हो गया ऊपर से पहाड़ जो है, इधर भी पूरा वाइट हो गया। देखो इधर इधर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा वाइट हो गया है। और ये बिल्कुल हमारे वो पहाड़ है जो हमारे बिल्कुल सामने हैं, और इधर वाले जो बिल्कुल बिल्कुल पास में है। देखो इस पे नहीं हुआ है, इस पे नहीं हुआ है, बट इधर भी देखो भाई पूरा वाइट हो गया भाई, देखो दिख रहा होगा। और सच बताऊं तो दोस्तों, आज आपको वहीं लेके जाना हूँ जहाँ ये बर्फ़ दिख रही है ना। हालांकि सामने वाले पहाड़ पे नहीं जाने वाले हैं, हम थोड़ा सा दूर जाने वाले हैं। जल्दी से भाई तैयार हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। और सच में भाई, मतलब NCR वाले लोगों के लिए कह रहा हूँ भाई, प्रिपेयर हो गया ना, क्योंकि ठंड जो है ना भाई, वो हम लोगों को आदत है बस NCR की ठंड की। भाई इधर बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। और ख़ासकर से जिनके साथ बच्चे हों भाई, वो तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा ठंड है भाई। यहाँ पर बिल्कुल सुन्न करने वाली ठंड है। आप समझ लो जहाँ बर्फ़ जम रही है, तो आप वैसे ही आइडिया लगा सकते हो कि कितनी ठंड हो सकती है। बट आई एम वेरी मच एक्साइटेड। बच्चों को जिस पर्पज़ के लिए लाया था, वो बच्चों का पर्पज़ जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। बच्चों को जिस पर्पज़ के लिए लाया था, बच्चों को पर्पज़ जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। मुझे पीछे बर्फ़ दिख रही है, तो भाई डेफिनेटली आपको भी दिख रही होगी, बहुत मौज आने वाली है। अभी निकलते हैं, अभी तैयार हो जाते हैं, तो भाई अंदर चलता हूँ। सच में बाहर खड़े होके चाय भी पीने की हिम्मत नहीं हो रही है, हालांकि चाय मैंने ऑर्डर कर दी है। और ये हे गुड मॉर्निंग बड़ी, गुड मॉर्निंग। और भाई सक्षम जो है, सक्षम कहाँ है, सक्षम सक्षम पे छापा मार के आते हैं। या ब्रो व्हाट्सअप, हे ये हमने लाइट्स ऑन कर दी। हे ब्रो 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 से गुड मॉर्निंग, आवाज नहीं आई, से लाउडली से लाउडली। गुड मॉर्निंग, सो एवरी वन लिसन प्रॉपरली, सो गुड मॉर्निंग गाइज। तो ठीक है दोस्तों, अभी आज कोशिश करेंगे भाई ये करने के लिए। वैसे मैं तो कर चुका हूँ पैराग्लाइडिंग, लेकिन अगर इन लोगों का मन करेगा तो डेफिनेटली मैं इनको करवा दूंगा। ठीक है, तो ठीक है भाई, आई थिंक चाय आने वाली है, चाय पी लेते हैं भाई। सो भाई हमारी गरम गरम चाय जो है वो आ चुकी है। तुम्हारा भाई जो है बहू की तरह बनाओ, और कोई टेंशन नहीं है भाई, चाय आ चुकी है। छवि कितने एक्साइटेड हो बेटा बर्फ देख बहुत के, ज्यादा बहुत ज्यादा देखने देखने के लिए। दिखा भी दिया है वैसे मैंने, कितनी सारी पीछे कितनी डर है ना। एक बार आप दिखा, मैंने दिखा दी बेटा इनको भी। सक्षम का अभी भी गेम बज रहा है भाई, चुकी है भाई। शुगर के 2 क्यूब्स डालना मेरे में ओनली, और 2 क्यूब्स ओके ओके। डैडी को शुगर नहीं है, वो और शुगर भाई है। सच बताऊं तो भाई देखो यहाँ पे जो है ना ठंड भाई नहीं रुकने वाली, मैंने बताया। वो तो भगवान का शुक्र है कि भाई ये स्विचेस दिख रहे हैं भाई, हीटिंग पैड, ये देखो कितने पे हीटिंग पैड लगे हुए हैं भाई, बेड शीट के नीचे। नहीं हिम्मत नहीं है भाई, नॉर्मल आप रज्जे गद्दे रजाई के अंदर यहाँ पे ठंड को नहीं रोक सकते भाई। हीटिंग पैड दो दो लगे हुए हैं, तब जा करके हमारी ठंड जो है वो रुकी है। सक्षम सुबह सुबह गेम बजा रहा है बेटा, दिस इज नॉट फेयर। और ये छवि के हाथ में गरम गरम चाय आ चुकी है। बेटा फैला नहीं देना राजा, यस। और छवि ये चाय की चुस्कियां मारती हुई, छवि ए एक 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 सिप थोड़ा सा। ये हमारे दर्शक भी आपको देखेंगे कि मनाली की महारानी किस तरीके से सुबह से उठ के चाय पीती है, कैसी है। सही है, केवल सही है। और ये बहुत, चलो भाई मेरी मेरी चाय भी दे दो। सो भाई देखो अभी अब चाय पी लेते और हैं। मेरे दांत छिल रहे हैं।
सो भाई अपनी चाय भी जो है यहाँ पे फाइनली आ चुकी है। तो भाई वादियों में बैठ करके भाई चाय का मजा ले लेते तुम्हारे भाई। क्या कह रहे बच्चे? और मेरे दांत हिल रहे चाय। और छवि को ऐसा लग रहा है कि इसके सारे दांत हिल रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत है और उसको ऐसा फील हो रहा है कि उसके दांत ऑलरेडी हिल चुके हैं। बताओ यहाँ बताओ दर्शकों को बताओ। चार दांत हिल रहे हैं तो दोस्तों मुझे पता नहीं, हो सकता है सच भी बोल दियो। ठंड में ऐसा तो नहीं दांत हिल जाते हैं? मेरे को पता नहीं है, हमें तो वही दिल्ली की ठंड की आदत हो रही है। यहाँ पे ठंड जो है कुछ अलग ही लेवल की है। और ये हीटिंग पैड नहीं होते, दोनों साइड हैं देखो, हीटिंग पैड नहीं होते तो भाई हमारी तो कुड़कुड़ी बन जाती कसम से, हमारी तो ऐसी की तैसी हो जाती। तो भाई अभी चाय ले लेते और उसके बाद फिर नहाते धोते ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलेंगे आपको सरप्राइजली बर्फ़ की तरफ लेके। फ्रेंड्स तुम्हारा भाई बिल्कुल रेडी हो चुका है, नाश्ते के लिए जा रहा हूँ। सारे बच्चे नीचे मैंने भेज दिए नाश्ते के लिए, डाइनिंग रूम में बुफे लगा हुआ है तो नाश्ते के लिए जा रहा हूँ। फाइनली नाश्ते पे पहुँचता हूँ और फिर दिखाता हूँ नाश्ते के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मिलने वाली है। तो भाई यहाँ पे जो है ये भी तैयार हो चुकी हैं और पूरे रूम को हमने वाइंड अप कर दिया है। सामान की पैकिंग जो है वो भी ऑलमोस्ट हो गई है, लगेज भी रेडी है। तो नाश्ता करके आते हैं फिर निकलेंगे। सो फ्रेंड्स फाइनली अब मैं निकल चुका हूँ नाश्ते के लिए। तो नाश्ता जो है वो नीचे लगा हुआ है क्योंकि वहाँ पे बफे सिस्टम है। तो नीचे जा रहा हूँ स्टेयर से और एक बार रिसेप्शन एरिया पे पहुँच के, क्योंकि तुरंत नाश्ते के बाद हमें निकलना है तो उनको बिलिंग के लिए बोल के चलते हैं। तो एक बार सबसे पहले रिसेप्शन पे पहुँचता हूँ। फाइनली दोस्तों मैं यहाँ पे रिसेप्शन एरिया में आ गया हूँ। रिसेप्शन पे काउंटर पे जो भैया बैठे हुए हैं इनको मैंने बिल रेडी करने के लिए बोल दिया। फाइनली भैया ये बता रहे हैं कि सर जो आपने चाय वगैरह ऑर्डर की थी उनके चार्जेस आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो मैंने कहा कोई इशू नहीं है, फाइनली आप बिल रेडी करो, तब तक मैं नाश्ता करके आता हूँ। दोस्तों निकलते हैं नाश्ते के लिए। क्या खाया बेटा? पूरी सब्जी। ठीक है हो गया सबका, चलो हम भी लेते हैं। तो दोस्तों अभी निकलते हैं भाई कहाँ के लिए, अटल टनल के लिए। बता रहे हैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो भाई चेकआउट कर लेते हैं, 10 बज गए हैं, बहुत टाइम लगा तो सच में। लेकिन आज किसी भी तरीके से अटल टनल पहुँचना है हर कीमत पे। तो आज के लिए इस होटल को बाय बोलते हैं और बढ़ते हैं सफ़र पर आगे की तरफ। फाइनली दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं रोहतांग पास और अटल टनल के लिए अपने सफर। तो सफर में निकलने से पहले होटल को बोलते हैं बाय बाय और थोड़ी सी मेमोरीज यहाँ की कैप्चर करते हैं, लेते हैं कुछ फोटोज और इन मेमोरीज को सजो लेते हैं अपने कैमरे के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों फोटो का ये प्यारा सा सिलसिला।
सो दोस्तों, होटल से निकलते ही बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि गाड़ी के फ्रंट मिरर से दोस्तों ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जमी हुई जो बर्फ दिख रही थी उसको देखकर बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि फाइनली जिस काम के लिए आए थे आज वो काम पापा करवा के ही रहेंगे। क्योंकि मॉर्निंग में जब मैं चाय का मजा ले रहा था उस टाइम पर बच्चे सो रहे थे, तो उन्होंने ये बर्फ जो है पहाड़ों पे जमी हुई नहीं देखी थी। तो फाइनली दोस्तों अभी निकलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं अपने सफर में। काफी देर तक फोटो सेशन का मजा लेने के बाद, मेमोरीज को कैप्चर करने के बाद हम बढ़ चले अपने सफर में आगे की ओर। सो दोस्तों, इसी तरीके से अपने भाई का ये ब्लॉग देखते रहिए। प्यारी प्यारी सीनरीज, प्यारे प्यारे पोज और प्यारी प्यारी इस फीलिंग को महसूस करते रहिए और अपना प्यार इसी तरीके से दिखाते रहिए। तुम्हारा भाई अगले ब्लॉग में आपको लेके जाने वाला है रोहतांग पास और अटल टनल। अटल टनल के बाहर जाकर के क्या क्या मस्ती करने वाले हैं और क्या क्या परेशानियों का सामना हम करने वाले हैं वो आपको बखूबी से आगे के व्लॉग में दिखाई देगा। सो दोस्तों, अभी के लिए दीजिए मुझे मोहलत, अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। तुम्हारा भाई फिर से कनेक्ट करेगा आपको सोलांग वैली और दोस्तों रोहतांग पास और अटल टनल के पास पहुँच के। सो दोस्तों, अभी के लिए गुड बाय।